हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो अपनी बाइक की जो नॉर्मल की होती है उसको फ्लिप की में बदलने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरी वीडियो को देखना। तो चलिए गाइस, सीधे अभी जो है बाइक की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, ये मैंने फ्लिप की जो अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी और ये मेरे पास अभी डिलीवर हुई है, तो इसको पहले सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। तो गाइस, आपको जो है बाहर वाला पैकेट को सैनिटाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना जो मेन कंटेंट है उसको ही सिर्फ सैनिटाइज़ करना है अच्छे वाले सैनिटाइज़र से। तो इसको मैं अभी कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से फ्लिप की आती है। तो गाइस, नॉर्मल जो जितनी आपकी बाइक है सभी की तरह की आपकी जो है एक ही मिल जाती है आपको। यहाँ पर एक लोगो चिपका होता है, यहाँ पर है नहीं है एक्चुअली इसमें। तो यहाँ पर एक बटन रहता है, इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ से चाबी निकलती है। तो ये कुछ इस टाइप की है, और अगर इसको आपको बंद करना हो तो ये इसी बटन को प्रेस करके आपको ऐसे कर देना है, तो इस टाइप से बंद हो जाती है। तो इस टाइप की एक की आती है, आप इसको भी बनवा सकते हो। या फिर मेरे पास जो है एक और फ्लिप की पड़ी हुई है जो कि एंटी थिफ्ट अलार्म सिस्टम की है, जिसको कि सेंट्रल लॉकिंग भी बोल देते हैं। तो इन दोनों की से मैं जो है एक की को जो है बनवाऊँगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं अभी इनमें दोनों में से कौन सी सिलेक्ट होती है। तो गाइस, मैं यहाँ पर चाबी बनाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रखी है। तो गाइस, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक वीडियो बनाने के पीछे कितने दिन जाते हैं और कितनी मेहनत जाती है। तो इसी बात पे एक लाइक बनता है वीडियो को और एक शेयर बनता है। तो गाइस, मैं यहाँ पर मोबाइल शॉप पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चाबी को कट करता है वो दो तरीके से कट होती है एक्चुअली। चाबी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक तो होती है मशीन के मतलब दोनों साइड जो है चाबी डालते हैं, जैसी चाबी होती है उसका क्लोन बना देती है मशीन। दूसरा होता है जो हाथ से कटिंग होती है। तो ये भाई ने हाथ से कटिंग करनी थी और इसलिए यहाँ पर मेरे को जो है चाबी को उसने बोला कि अगर खुल सकती है तो अच्छे से हो बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो है ये छोटा वाला स्क्रू को खोलने के लिए मोबाइल शॉप पे आया हूँ। तो इसको अभी मैं यहाँ पर अभी खोल लेता हूँ। दोनों साइड छोटे छोटे स्क्रू रहते हैं, तो इन स्क्रू को खोलने के बाद ये चाबी आपको जो है इस टाइप से आपके हाथ में आ जाती है। तो अभी गाइस, मैं ये कट करवा के लाता हूँ अभी। तो गाइस, आप देख सकते हैं चाबी हमारी कट हो चुकी है, सेम टू सेम क्लोन इसका बन चुका है, डुप्लीकेट चाबी इसकी बन चुकी है। अभी हम इसके जो वापस से जिसके जो तो स्क्रू हमने खोले थे उसको टाइट कर देंगे और आपकी चाबी जो है फिर से ऐसे बन जाएगी। तो गाइस, इस टाइप से मैंने ये वाली फ्लिप की को अभी चूज़ किया है, और इसी के साथ ही मैं अभी जो अपनी बाइक में एंटी थिफ्ट अलार्म सिस्टम को भी इंस्टॉल करूँगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी चाबी ये बन चुकी है, अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, थोड़ी सी अटकती है जब आप नई वाली जो चाबी बनाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो स्विच कंसोल है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकती हो। और साथ ही में इसका राइट वाला भी पार्ट जल्दी आएगा। और आप देख सकते हैं अभी ये चाबी जो है प्रॉपर काम कर रही है, सभी जो बॉक्स वगैरह इसके है वो इससे खुल रहे हैं। तो गाइस, अभी इसके ऊपर जो हमने स्टिकर वगैरह का काम करना है, तो चलिए अभी अपनी शॉप पर चलते हैं और कुछ इस पर जो है स्टिकर वगैरह को चिपकाते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हमने जो YouTube का लोगो लगाया और नीचे जो YHA लिखा है, तो YHA का फुल फॉर्म है योर होस्ट अमित। तो इसका जो भी हैशटैग चलेगा, हैशटैग YHA हम जो है अपनी हर वीडियो में अभी डालेंगे। और अब से अगर आपको योर होस्ट अमित को सर्च करना पड़ेगा, तो आप सिंपली हैशटैग YHA सर्च कर सकते हो। तो अभी जो है हम चलते हैं गाइस अपनी बाइक की ओर, और इसमें जो अभी एंटी थिफ्ट अलार्म सिस्टम को भी इंस्टॉल करते हैं। तो इसके ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। मैं आपको फुल इसकी इंस्टॉलेशन अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। तो गाइस, मेनली जो दिक्कत होती है इसको जो है इंस्टॉल करने में, वो होती है कि इस डिवाइस को हम रखेंगे कहाँ। तो गाइस, सबसे अच्छी जगह आपको जो है ये टंकी के नीचे और एयर फिल्टर के बॉक्स के जस्ट ऊपर, यहाँ पर अगर आप इसको लगाते हो तो सबसे अच्छी जगह इसकी यही है। तो इसको अभी लगा लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस, इसको मैंने यहाँ पर अभी फिट कर दिया। अभी गाइस, इसकी मैं वायरिंग को कर लेता हूँ और सीधे मैं आपको जो है नेक्स्ट शॉट दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि जो इसके दोनों सायरन हैं उनको मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अपने को जो है वो साइलेंस पसंद है। तो इसलिए मैं ये जो शोर वाला जो चीज़ है ये बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। तो गाइस, मैंने अभी इसको इंस्टॉल कर दिया, अभी इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये कैसे हम जो है यूज़ में लेने वाले इस चाबी को। तो यहाँ पर अगर मैं इसको जो है लॉक करता हूँ तो एक बार इसका इंडिकेटर चलते हैं, और अगर इसको मैं अनलॉक यहाँ से करता हूँ तो दो बार इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक होते हैं। और अगर मैं ये जो इग्निशन वाला यहाँ पर जो स्विच बना हुआ है तीसरा, इसको मैं डबल प्रेस करता हूँ तो इसका इग्निशन भी चालू हो जाएगा, साथ में इसकी सेल्फ भी एक बार लगेगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं बाइक हमारी अभी स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस, अगर मैं इसी कंडीशन में बाइक को राइड करता हूं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और विदाउट की मतलब की को इंसर्ट किए मैं इसको यूज़ करूंगा और इस चाबी को मैं अपनी जेब में डाल लूंगा। इस टाइप से मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, और चाबी सिर्फ मैं लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए बाइक को जो है यूज़ करूँगा। और गाइस, यहाँ पर अगर इसको बंद करना हो तो आप लॉक या अनलॉक वाला कोई भी बटन यहाँ पर प्रेस करोगे तो आपकी बाइक जो है वो बंद हो जाएगी और इग्निशन भी इसका जो है बंद हो जाएगा। तो गाइस, इसी टाइप से आप भी अपनी बाइक के लिए फ्लिप की बनवा सकते हैं और ऐसा सिस्टम जो है अपनी बाइक में लगा सकते हैं।
तो गाइस कुछ भाइयों का मेथ होता है कि अगर बाइक गियर में होगी तो ये हमारी बाइक को जो है वो गिर जाएगी स्टार्ट होने से। तो आप देखते हैं यहाँ पर अभी मेरी बाइक जो है गियर में है, अगर मैं इसको डबल प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर इसकी सेल्फ नहीं लगेगी, ओनली इसका जो इग्निशन है वो चालू होगा। और अगर मैं यहाँ पर गियर को निकाल देता हूँ तो मेरी बाइक जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होगी। तो गाइस आपकी बाइक गियर में इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि आपका जो क्लच वाला स्विच है जब ख़राब हो जाता है। तो आप क्लच वाला स्विच अगर आपका सही है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इससे। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये बाय करना रहेगा इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।